वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न मी द स्टडी। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 29। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 28 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ वीडियो, और टोटल 290 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूँ। इस टॉपिक से मैं टोटल 340 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 291 से 300 तक के वीडियो सॉल्यूशन। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, प्रीवियस ईयर सीरीज में 3 टॉपिक्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन 268 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 वीडियो में। और ये पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। जो लोग इसको नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके वहां से आप इस टॉपिक वाइज देख सकते हैं। इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक का। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि आपको कंटिन्यू डेली वीडियो मिलती रहे। अगर आपको जेन्युइन इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट्स किया कीजिए कि एस आपको इस चैनल से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 291। ये क्वेश्चन सीपीओ 2016 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए ट्रेडर परचेज ए गिफ्ट बॉक्स फॉर आरएस कितना रुपया। यानी कोई ट्रेडर है वो खरीद रहा है कोई गिफ्ट को कितने रुपए में, 150 रुपए में। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 150। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइज ऑन द गिफ्ट बॉक्स सो डैट आफ्टर एलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ही मेक्स द प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी वो अपने मार्क प्राइज को क्या रखे ताकि जो 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, एक मैंने रिलेशन बताया था आपको, एमपी बाई सीपी का रिलेशन बताया था, एमपी अपॉन सीपी का रिलेशन बताया था कि अगर सीपी है तो उसके प्रॉफिट और लॉस को ऊपर लिखेंगे। अब खुद सोचो, 10% का प्रॉफिट मिलना है तो यानी बेचेगा कितने में, 110% में, और 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो एमपी के नीचे लिखेंगे 10% का डिस्काउंट यानी दे रहा है यानी बेचेगा कितने में, 90% में। कैंसिल कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी क्या आ गया, एमपी बाई सीपी का रेशियो आ गया 11:9। ये हमारे पास मिल गया। अब देखिए ध्यान से, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया, कॉस्ट प्राइस दिया गया 150 रुपए। कॉस्ट प्राइस दिया गया 150, 9 यूनिट की वैल्यू 150 है, कितना गुना है, 9 यूनिट की वैल्यू 150 है। यानी अगर मैं 9 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 150/9, हमसे निकालना क्या है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस 11 यूनिट की वैल्यू 150/11/9, मैं काट रहा हूँ 3 से 3, ये कितना हो गया 50, 11 × 5 कितना हो गया 55, यानी 550/3, 550/3 को मैं इस तरह से 550/3, चलिए मैं भाग देता हूँ, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 24, कितना बचा, 1 = 10, यानी तितली के 9, 183.33 आएगा, 183.33 कौन सा ऑप्शन आएगा, बी इज द राइट आंसर। यानी उसने अपने जो गिफ्ट बॉक्स था उसको मार्क प्राइस उसका कितना था, 183.33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 292, ए वेजिटेबल सेलर सेल हिज वेजिटेबल्स एट 20% प्रॉफिट, एट व्हाट सेम टाइम ही यूजेज फॉल्स वेट। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, एट द सेम टाइम ही यूजेज फॉल्स वेट विच इज 10% लेस देन द एक्चुअल प्राइस, व्हाट विल बी द टोटल गेन परसेंट। कहा जा रहा है एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी को बेचते समय 20% का लाभ पर बेचता है और बेचते समय वो गलत भार का प्रयोग करता है जिससे वास्तविक भार 10% कम निकलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब खुद सोचिए, देखिए यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, क्वेश्चन आसान है, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लेते हैं लेट सपोज 100 यूनिट, जब वो बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, बेच कितने में रहा है, 120 में। लेकिन जब वो, देखिए ध्यान से, अब क्या करा, जब वो वास्तविक भार से 10% कम निकालता है, यानी 10% कम निकालता है, यानी 10 यूनिट कम निकाल रहा है, यानी कितना, 90 यूनिट, तो बताओ उसको प्रॉफिट कितने का हुआ,
30 यूनिट का प्रॉफिट किस पे, 90 पे, क्योंकि रियल तो ये था ना, इनटू परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए 100, यानी कुल उसका लाभ कितना हो जाएगा, 1/3 × 100, यानी जैसे ही 1/3 देखे आपके माइंड में क्या होना चाहिए, दो पिक्चर्स बननी चाहिए, 33.33% या फ्रैक्शन में 33 सही 1/3%। तो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2016 में पूछा गया था, यानी कॉस्ट प्राइस इतना है, उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 20%, यानी 20 यूनिट, 100 का 20% 20 यूनिट, लेकिन वो एक्चुअल वेट से 10 कम निकालता है, यानी 90 प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना, 30 यूनिट का, आउट ऑफ किस पे, 90 पे, बस क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 293। देखिए 293 क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए शॉपकीपर परचेज टू आइटम्स फॉर इतना, दो आइटम्स 520 रुपए में खरीदता है, वन ऑफ देम सोल्ड गेनिंग 60% एंड अनदर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, दस ही मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस। जब वो लॉस पे सोल्ड कर रहा था, बेच रहा था, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी। अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, आफ्टर डेट आपको एलिगेशन मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड से आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2016 में पूछा गया, तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड पे आते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड भी जानना जरूरी है और एलिगेशन आप पढ़ चुके हैं तो एलिगेशन भी लगा सकते हो। देखिए ध्यान से, लेट सपोज फर्स्ट आइटम का कॉस्ट प्राइस है एक्स, तो सेकेंड आइटम का क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों 520 रुपए में खरीद रहा है, तो 520 माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से, पहले के केस में उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 16% का, 16% के गेन हो रहा है, यानी एक्स का 16%। दूसरे के केस में क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है 10%, यानी 520 माइनस एक्स का 10% क्या हो रहा है, लॉस। और नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया, बस सोल्व कर लें, 100 से 100 कैंसिल। चलिए कितना हो गया, 16x इज इक्वल टू 5200 माइनस 10x, इधर ये आएगा कितना हो जाएगा, 26x इज इक्वल टू 5200, x की वैल्यू कितनी हो गई, 200, यानी x की वैल्यू 200 हो गई, 200, यानी ये 200 है, कब है 200, जब 16% का गेन हो, और ये कब है, 10% का क्या हो, लॉस हो। तो बताओ 520 माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 200, यानी कितना हो गया, 320 रुपया है कॉस्ट प्राइस जब 10% का लॉस हो। अब खुद सोचो, हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम सोल्ड एट लॉस। देखो कॉस्ट प्राइस जब लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है उस टाइम, 320, लॉस कितने का हो रहा है, 10% का, 320 का 10% यानी कितना, 32 रुपए का लॉस, यानी बेच कितने में रहा है, 320 माइनस 32 यानी कि 288 रुपए क्या था उसका सेलिंग प्राइस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दूसरा मेथड आते हैं, अब हम इसको एलिगेशन मेथड से करते हैं। देखिए ध्यान से, एलिगेशन मेथड कैसे लगाइए, खुद सोचिए, पहले के केस में उसको क्या हो रहा है, 16% का गेन हो रहा है, दूसरे के केस में क्या हो रहा है, लॉस 10% का, इसलिए निगेटिव लिखा, और ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, 0%। अब मैं देखिए ध्यान से, बड़े में से छोटा को घटाऊं तो क्या बचा, 16, इस छोटे में से इधर घटाऊं तो क्या हो गया, 10% होता, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, रेशियो क्या आ गया, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, यानी रेशियो 5:8 आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, दोनों मिलाकर के कितना में खरीद रहा है, 520, यहाँ पे दोनों यूनिट मिलाकर के कितना यूनिट हुआ, 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 520, एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 40 यानी 200 रुपए, और 8 × 40 320 रुपए। अब हमसे क्वेश्चन, ये कॉस्ट प्राइस इसका आ गया और ये कॉस्ट प्राइस इसका आ गया, दो आइटम्स का कॉस्ट प्राइस 200 है किसका, जब 16% का क्या हो, गेन मिले, और कॉस्ट प्राइस 320 है कब, जब 10% का क्या मिले, लॉस मिले, यानी सीपी क्या है, 320, लॉस हो रहा है 10%, 10% लॉस यानी 332 रुपए का लॉस, यानी बेचा कितने में, 288 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन करने का तरीका बहुत हो सकता है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है
तो आप कोई भी मेथड जाइए, आप क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम अपने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 294। देखिए 294 क्या गया, अरुण बाई 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल फॉर 120 रुपए एंड सेल इट टू स्वाति गेनिंग ऑफ 25%। अब देखो ध्यान से, अरुण ने क्या किया, स्वाति को बेचा, अरुण ने स्वाति को बेचा 25% के गेन पे। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, गेन का मतलब प्लस, यानी 4 यूनिट का सामान 5 यूनिट में बेच दिया। उसके पास 4 यूनिट था, उसको बोला कि 1 यूनिट का फायदा लेके बेच दिया 5 में। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहा जा रहा है, जब अरुण खरीद रहा है एप्पल 1 केजी कितने में, 120 में, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120, कितना गुना है, 30 गुना, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें कितना, यानी स्वाति को बेचा कितने में, 150 रुपए में, यानी 120 रुपए में खरीदा था अरुण, बेचा कितने में स्वाति को, 150 रुपए में। अब आगे बढ़ते, स्वाति सेल टू दिव्या, स्वाति ने क्या किया, दिव्या को बेचा प्रोडक्ट दिव्या एंड दिव्या अगेन सेल इट 198। स्वाति ने दिव्या को बेच दिया एंड दिव्या अगेन सेल, और दिव्या ने किसी को बेच दिया नहीं पता है उसको, दिव्या ने मान लो लेट सपोज एक्स पर्सन को बेचा, कितने में बेचा, 198 में, यानी ये पर्सन जो है खरीदा कितने में, 198 में। सिंपल सा चीज है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे समझने वाला बात क्या है, एंड मेकिंग ए 10% प्रॉफिट। देखो क्या कहा जा रहा है, स्वाति सेल टू दिव्या एंड दिव्या अगेन सेल टू 198 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय स्वाति, स्वाति के द्वारा कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई। देखो दिव्या, देखो ध्यान से क्वेश्चन में कहा गया है, स्वाति ने उसे दिव्या को बेच दिया, उसने फिर दिव्या को 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, दिव्या ने उसे किसी पर्सन को 10% प्रॉफिट, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 का सामान था दिव्या के पास, उसने किसी पर्सन को कितने में बेचा, 11 यूनिट में बेचा। अब 11 की वैल्यू कितनी दी गई है, 198, कितना गुना है, 11 × 11 = 18, तो यहां पे 18 गुना कर ले यानी 180, यानी दिव्या के पास कितना रुपए, 180। अब ध्यान से देखो, दिव्या के 180 और स्वाति ने खरीदा कितने में था, 150 में, यानी ये स्वाति 150 की चीज को बेची कितने में, 180 में, तो स्वाति को प्रॉफिट कितना मिला यहां से, यहां बेचने में 30 यूनिट का प्रॉफिट, किस पे, स्वाति का, 150 सीपी पे, परसेंटेज में करने के लिए 100, 30 5 150 5 20, यानी 20% का क्या हुआ ओवरऑल प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन था ये, एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 295। अब देखिए 295 क्या कहा गया, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, देन ही अलाउज सम डिस्काउंट ऑन इट एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8% द रेट डिस्काउंट इज। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट, तो मार्क 20% का मार्कअप, 100 का 20%, 20% का मार्कअप किया यानी 120। अब वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है 8% का, यानी कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट 8 यूनिट का हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 का 8% 8 यानी 108 में बेचा। अब हमसे पूछा क्या गया, रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ, 120 रुपया मार्क प्राइस था, बेचने वाला प्राइस कितना है, 108, कितना डिस्काउंट मिला, 12। किस पे डिस्काउंट मिलता है, मार्क प्राइस पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये डिस्काउंट परसेंट आ गया, बस सोल्व कर लें, 12 दहा में 120, 10, यानी 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेजेज टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए वेट ऑफ 175 ग्राम फॉर किलोग्राम वेट हिज गेन परसेंटेज। कहा गया कि एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम के वजन का बाट इस्तेमाल करता है, यानी खुद सोचो
875 ग्राम घर से दे रहा है और बोल के क्या दे रहा है कि मैं 1001 किलोग्राम दे रहा हूँ, यानी 875 ग्राम घर से उसके जा रहा है और वो कह रहा है कि मैं 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम बना करके उसको बेच रहा है, कह रहा है उसके घर से एक्चुअल में कितना गया 875 और पैसे कितने का लिया 1000 ग्राम का, तो बताओ कितने का बेनिफिट हुआ उसको, 125 यूनिट का, किस पे 875 पे, परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए 125 साते कितना हो गया इतना, यानी 1/7 × 100 आपके माइंड में पता होना चाहिए, परसेंटेज करा चुका हूँ, 1/7 जहाँ भी रहे इसका मतलब होता है 14.28% या फ्रैक्शन में करें तो 14 सही 2/7% कोई दिया रहेगा, ये दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 297। देखिए 297 ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी आर्टिकल बी मार्क सो एट गेन ऑफ 33% आफ्टर अलाउइंग ए कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 5%। हमसे क्या कहा गया कि मार्कअप परसेंटेज कितना होगा, व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी आर्टिकल टू मार्क्ड, यानी देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं एमपी बाई सीपी का रेशियो निकालते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस है तो ऊपर प्रॉफिट लॉस होगा, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 33% का, यानी बेचा कितने में 133% में, डिस्काउंट कितना दे रहा है 5% का तो बेचेगा नीचे 5% का डिस्काउंट, यानी बेचा कितने में 95% में, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 19/5 95 19/7 133, यानी हमारे पास एमपी अपॉन सीपी कितना आ गया 7/5। अब खुद सोचो मार्कअप किस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट, मार्क प्राइस 7, यानी कितने का मार्कअप किया, कितने बढ़ाया 2 यूनिट, किस पे 5 यूनिट पे, परसेंटेज में करने के लिए 100, 5 से 20 यानी 40% का क्या किया उसने मार्कअप किया, यानी ऑप्शन क्या हो गया ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 298। देखिए क्वेश्चन नंबर 298 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए मैन बाई ए टेबल एंड ए चेयर फॉर 500 रुपए, यानी टेबल का कॉस्ट मान लेता हूँ टी और चेयर का कॉस्ट मान लेता हूँ सी, तो टेबल और चेयर मिलाकर के वो कितने में खरीदा 500, इक्वेशन वन। इफ ही सेल एट ए 10% लॉस, ही सेल्स द टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% एंड ए चेयर एट ए गेन ऑफ 10%, स्टिल ही गेन 10% ऑन द होल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, कहा जा रहा है देखो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, टेबल को 10% के लॉस पे बेचे और चेयर को 10% गेन पे बेचे, फिर भी उसको 10% का क्या हो रहा है गेन, यानी चेयर को 10% का गेन, यानी चेयर का 10% गेन माइनस टेबल का 10% लॉस, लॉस इसीलिए मैंने माइनस किया और फिर भी उसको गेन क्या हो रहा है 10%, 10 रुपए का, इन दोनों के बीच का गेन हो लॉस हो यानी कि दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस हो गया ना, जैसे मैंने बोला मेरे पास 5 रुपया है तुम्हारे पास 10 रुपया, यानी तुम्हारे पास मेरे से कितना ज्यादा है 10, तो वही चीज है, बस इसको ये इक्वेशन को मैं कर लूं 10/100 मैंने कॉमन कर लिया तो क्या बचा सी माइनस टी इज इक्वल टू 10, 10 से 10 कैंसिल यानी क्या बचा सी माइनस टी इज इक्वल टू 100, इक्वेशन टू। और पहला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ये था टी प्लस सी इज इक्वल टू 500, ये इक्वेशन वन था, इन दोनों को मैं ऐड करूं इक्वेशन वन और टू को, चलो मैं ऐड कर लेता हूं इक्वेशन वन और टू को, तो देखो टी और टी कैंसिल, सी और सी 2c इज इक्वल टू कितना हो गया 600, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 300। और हमसे पूछा क्या गया था द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, चेयर का कॉस्ट प्राइस c ही था, चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपीज, तो ऑप्शन क्या मैच कर गया सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 299। देखिए क्वेश्चन नंबर 299 क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, ए डीलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 15%, ए कस्टमर पे ए अमाउंट ऑफ इतना, इफ एन आर्टिकल एट व्हाट प्राइस इज द आर्टिकल लिस्टेड, मार्क प्राइस क्वेश्चन पूछा गया। देखो ध्यान से 15% का डिस्काउंट दिया यानी बेचा कितने में 85% में, और बेचने के बाद जो पैसा लिया कितना, इतना 318.75, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 318.75/85,
मार्क प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100%, 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100 × 318.75 अपॉन क्या 85। अब मैं देखो इस पॉइंट को हटा दूं तो 100 नीचे मल्टीप्लाई करा, 100 से 100 कैंसिल, अब कितना हो गया देखो 318.75 अपॉन क्या 85, 5 से काटूं तो 17, 5 से काट रहा हूं तो 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 3 बचा 15, 3 बचा, तो 5 × 7 = 35, 5 × 25 यानी हमारा आया 6375/70। अब देखो भाग मैं करने जा रहा हूँ, 7 का भाग करूँ 6375 में, तो 17 × 51 कितना बचा 2, ये कितना बचा 1 और 7। अब देखो 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 7 = 119 कैंसिल, 9 × 8 = 17 ये कैंसिल। अब बाकी कुछ 37 आगे स्टार्टिंग से 36 है नहीं हो सकता, 35 है नहीं हो सकता, 43 है ये तो हो ही नहीं सकता, 37 किस में आ रहा है इसमें, तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं, करना भी है तो 375 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 आएगा तो 17 × 5 = 85 आ गया 375। लेकिन क्या जरूरत है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप डायरेक्टली भाग कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके सीजीएल 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 300। देखिए क्वेश्चन नंबर 300 क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। ए मैन बॉट 25 कैरेट्स ऑफ ऑरेंज फॉर इतना रुपीज, ही लॉस्ट 5 कैरेट्स इन ऑर्डर टू अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 125% ऑफ द टोटल कॉस्ट, ही वुड हैव सेल ईच ऑफ द रिमेनिंग कैरेट्स, जो बचे हुए कैरेट्स हैं उसको कितने रुपए में बेचता है। अब देखिए ध्यान से, आपको समझने वाला बात है इस क्वेश्चन में, आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। 25 कैरेट है ना, 25 25 क्रेट है, उसको कितने में खरीद रहा है, 10,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, अब बताओ कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है ना 10,000, उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 125%, यानी 10,000 का 25% प्रॉफिट, यानी बेचने वाला प्राइस कितना होगा 125%, 125/100 कैंसिल, यानी कितना हो गया 12,500। ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस इतना है, अब बताओ 25 क्रेट था जिसमें से 5 क्रेट क्या हो गया लॉस हो गया, यानी 20 क्रेट, यानी 5 20 क्रेट को बेचा कितने में होगा इतने में, यानी अगर मैं बात करूं 20 क्रेट को बेच कितने में रहा है 12,500 रुपये में, तो एक क्रेट को बेचेगा कितना में 12,500/20, 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि हमसे पूछा गया था ईच ऑफ द रिमेनिंग कैरेट, जो बचे हुए कैरेट हैं 20 कैरेट, उसको 20 कैरेट में से हर एक कैरेट को कितने में बेचेगा, तो 20 कैरेट को बेच रहा है कितने में इतने में, तो एक कैरेट को कितने में बेचेगा कैंसिल, 2 × 2 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, इतने रुपए में एक कैरेट को बेचेगा, क्रेट को बेचेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2016 में पूछा गया, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते, ठीक है। अगर चाहो तो आप एक और तरीका यूज कर सकते हो, वैसे तो आप यूज कर सकते हो लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक और तरीका से मैं बना सकता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो 25 कैरेट को खरीद रहा है कितने में 10,000 रुपए में, लेकिन उसमें से 5 कैरेट क्या हो गया खराब हो गया, यानी 20 कैरेट अगर मैं बात करूं तो उसने एक्चुअल में क्या हुआ 5 कैरेट तो उसका लॉस हो चुका है ना, यानी अगर वो बेचेगा तो 20 कैरेट को उसका प्राइस लगा इतना, तो एक का सीपी अगर मैं निकालना चाहूं तो 10,000, क्योंकि ये तो 5 खराब हो चुके हैं, 10,000/20 यानी कितना हो गया 500, अगर 25% का प्रॉफिट, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, सीपी 4 यूनिट, तो बेचने वाला प्राइस कितना होगा 5 यूनिट, एक कैरेट को बेच कितने में रहा है, उसको 20 ही कैरेट बेचना था ना, तो 500 है तो 5, अच्छा यहां से मैं इस तरह से कर सकता हूँ, चलो 4 यूनिट की वैल्यू अगर मैं इसको 500 के हिसाब से मानूं तो 125 चौके कितना होगा 125 × 4 होता है 500,
पाँच चौके 20, 12 चौके 48, 2 50, 125 गुना, तो इधर भी 125 गुना करूँ तो 125, 5 6 50 25, 12 5 60, 2 100, इतना आ जाएगा। लेकिन ये मेथड अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह से भी आप ला सकते थे। कैसे, 25 का कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, 5 तो सड़ गए, 5 तो लॉस हो गए, यानी 20 का एक कैरेट का निकाल दूं कॉस्ट प्राइस, तो 10,000 / 20 यानी 500 रुपये पर कैरेट, 4 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। लेकिन इस तरह से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप मेथड 1 फॉलो करें जो मैंने बताया हूं। अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। ये क्वेश्चन भी आपके सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इस तरह से हमने क्या किया, 291 से 300 तक के क्वेश्चन देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे 301 से 310। देखिए मेरे दो पेड कोर्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग कोर्स जिसमें आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एज वेल एज आपका रेलवे एग्जाम भी कवर हो जाएगा। 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। और वीडियो लेक्चर जो है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। एक जनरल साइंस स्पेशल कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की कॉस्ट है 499 रुपीज और आप इसको भी लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें 3 टॉपिक्स सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉन्सेप्ट के साथ। आपको इसके साथ साथ आपको पीडीएफ क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये भी क्या है, बाइलिंगुअल है। स्पेशली जो लोग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस तो कर ही रहे हैं, जो लोग आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके कहाँ के रहेंगे, जनरल साइंस के आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका ये पोर्शन आपका पूरा तरह से 10 से 12 क्वेश्चन आप कवरअप कर लेते हो। अब बात आती है आप कैसे ज्वाइन करोगे, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा पेटीएम ऐप्स नंबर गिवन दिया गया है। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर दिया गया है। फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फोन पे ऐप्स नंबर भी दिया गया है। अगर आप अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी गिवन है, आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो पे स्लिप की या स्क्रीनशॉट जो आपने पे किया उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप इस कोर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोर वीडियो आए तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बॉक्स दिया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।